राम बोलो श्री राम जय जय 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 राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम सम्मान सचरस्ता में प्राण कल्याण सब नमः स्वाहा दसे रूपे कम तेजा सत्य सत्य योग ने सुन सना नमः स्वाहा आयु रसी मान है धन रक्षा वीडियो घुमा के ले सारे वीडियो बना के ले अपने घुमा ले सारे ये आंटी पकड़े रख के ठीक है सारे घुमा ले चल फिर ये कर के ठीक है ये सारे घुमा ले तो ना तो पकड़ सारे घुमा ले विजय सुदा सरसिदा नमः स्वाहा रक्षा कपि कर विचार दिन मुद्रिका डारी तब जनो अशोक अंगार दिन हर्ष उठी कर गयो नमः स्वाहा कपि के वचन स प्रेम सुनि उपजा मन विश्वास जाना मन करम बचनिया कृपा सिंधु कर दास नमः बृहस्पति ददातु ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम भूर्भुव स्व रक्षा विधान कीजिए रक्षा सूत्र प्रदान कीजिए ओम जय नपदो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन प्राप्ति वदनामी रक्षे वाचल वाचल ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा महेश की रक्षा शिव शंकर की रक्षा पार्वती की रक्षा देवी देवताओं की रक्षा सृष्टि सुगुण वागणाधिपति नमो नमः जितने भी कुंड है सभी कुंडों पर एक एक पूर्णावृति पहुंचा दे पहले संतों के हाथ में पूर्णावृति दीजिए।
संतों को एक एक थाली सामग्री की बर्गी दे दीजिए। सभी सदस्य अपने हाथ में थोड़ी थोड़ी सामग्री ले लीजिए और उस सामग्री के अंदर दीजिए और थाली दे दीजिए। संतों को थाली दो, तीन थालियां दो, तीन थाली सामग्री दे दीजिए। एक एक दे दीजिए अलग से। सभी को सामग्री की आहुति देनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमः स्वाहा। चंद्र कर दीजिए प्रदान ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ जी आरती प्रज्वलित करवाए। चावल लगा दे, चावल पड़े पर सारा चावल पंडाल में चले व्यास भोजन होगा, व्यास गद्दी का भोजन होगा। उसके बाद अपना अपना कलश मुख्य यजमान लेकर आएंगे और परिक्रमा करी जाएगी। सभी भक्तों से प्रार्थना जिन्होंने परिक्रमा कर ली है कृपया पंडाल में चले व्यास भोजन। गुरुदेव जी महाराज आपके शुभ आशीर्वाद से आज हमने ये शुभ पवित्र मांगलिक कार्य को पूर्ण करा। कृपया करके आप अपना शुभ आशीर्वाद सदैव ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज जी का ध्यान कर नमस्कार करिएगा। जिनके हाथ में पुष्प अक्ष नहीं है वो केवल हाथ जोड़कर ही